हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस, जो थोड़ा लेवल अप होगा। यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होया करे वो आप लोग डिस्कस कर लिया करिए वाया कमेंट्स, ओके, ड्रॉप कर दिया करिए, मैं देख लिया करूँगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 इज इक्वल टू 49,392। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जो भी 49,392 है, इनका मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। कैसे? बाई यूजिंग दिस मेथड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर है 49,392, ये प्राइम इंटीजर से, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर से कट होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। इनको डिवाइड कैसे करते हैं? पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इट्सेल्फ और वन, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई इट्सेल्फ और 1, ओके। अदर देन दीज नंबर्स वी कैन नॉट डिवाइड इट बाई एनी अदर नंबर्स, ओके। जैसे यहाँ पे देखते हैं 49,392 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी लिया 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18 एंड 1 कैरी लिया 2 6 ज़ा 12। इसी तरीके से इनको फैक्टराइज करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे? 49,392 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7। बेस सेम है यहाँ पे, 2 का 4 टाइम्स है, तो 2 पावर 4 लिखेंगे, इनटू बेस सेम है यहाँ पे 3 का, 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, इनटू 7 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 7 पावर 3। नाउ वी कैन कंपेयर इट बाय ए स्क्वायर बी पावर 3 एंड सी पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 पावर 4 इनटू 3 स्क्वायर इनटू 7 पावर 3। इफ वी कंपेयर दीज टू साइड्स, ओके, देन कंपेयर क्या करेंगे यहाँ पे? पावर किसका सेम है, पहले ये कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 3 का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर पावर 3, सो हियर b पावर 3 एंड हियर 7 पावर 3, दैट्स वाई b इज इक्वल टू 7। And now we are going to compare power 4, so c power 4 and here 2 power 4, that's why c। यहाँ देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड हियर गिवन क्वेश्चन इज 5 power x-3 इंटू 3 power 2 x-8 इज इक्वल टू 225। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होगा? 225 है, आप इसको प्राइम इंटीजर से, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर से डिवाइड कर सकते हो। 225 है, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड ईयर 5 5 9 ज़ा 45 एंड 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ओके। इनको जो भी यहाँ पे मल्टीपल आया हुआ है, पहले सीधे क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे 5 power x-3 इंटू 3 power 2 x-8 इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे मल्टीपल आया है उनको लिखते हैं 5 into 5 into 3 into 3, सो 5 into 5 बिकम 5 स्क्वायर एंड 3 into 3 वुड बी 3 स्क्वायर। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू साइड्स, ओके, 5 power x-3 इंटू 3 power 2 x-8, कंपेयरिंग दीज टू साइड्स, ओके,
कंपेयरिंग दीज टू साइड्स, ओके हाउ 5 पावर यहाँ पे x माइनस 3 है एंड यहाँ पे 5 का पावर जो है वो 2 है, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 शिफ्ट होगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जब शिफ्ट होगा तो 2 प्लस 3 बिकम 5, सो x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आंसर आया। एंड अगर 3 के पावर को कंपेयर करते हैं तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 के पावर को इक्वेट किया, सो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, नाउ 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 एंड x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं ये टर्म को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 2x इज इक्वल टू 10, अगर कोई नंबर इस साइड में मल्टीप्लाई में है इस साइड में जाएगा, मींस लेफ्ट से राइट साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 5 10, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों केस में x का वैल्यू 5 ही आ रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 7 पावर 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे इनके पावर को लिखते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है a पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, कोई भी इंटीजर है उसका पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो वैल्यू 1 होगा, इधर 1000 पावर 0 है अगर तो पावर 1 होगा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 यहाँ इस साइड में है तो 7 पावर 0 लिख सकते हैं, सो 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1, नाउ वी कैन कंपेयर इट्स पावर, ओके सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, नाउ 2x इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में है, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो 2 पावर 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 पावर x प्लस 3, फर्स्टली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी 8 है उसका मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया यहाँ पे, मीन्स 2 पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन, एक रूल मैंने बताया था, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, मीन्स जो भी पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ पे इनको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 3, इनको और सिंपल तरीके से करना चाहें, 2 पावर जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 x प्लस 3 एंड यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं इस साइड में 2 पावर 5 x प्लस 3 है, नाउ कंपेयरिंग दीज टू पावर्स, ओके कंपेयर करेंगे इनको हम लोग, कंपेयरिंग इट्स पावर देन इट बिकम्स 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 x प्लस 9, ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे प्लस 3x को इस साइड शिफ्ट करें, ठीक है, एंड प्लस 3 को इस साइड शिफ्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस 3 है इस साइड में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, देन इट बिकम्स 5x - 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 है और ये प्लस 3 इधर को शिफ्ट होगा तो माइनस 3 हो जाना है, ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा, 5x - 3x बिकम 2x इज इक्वल टू 9 - 3 बिकम 6, सो x इज इक्वल टू 6/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है जब इस साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो
2 1 2 2 3 6, एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है करना, सीधे वही सिंपल जो भी मेथड्स हम लोगों ने सीखा हुआ है सीधे वही अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई पावर पी माइनस वन एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई पावर क्यू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू एक्स वाई पावर आर माइनस वन, प्रूव दैट ए पावर क्यू माइनस आर इंटू बी पावर आर माइनस पी इंटू सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो आप इनको चाहो तो सेपरेटली अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे a पावर q माइनस आर है एंड a का वैल्यू ऑलरेडी पता है यहाँ पे, x y पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस आर। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बता रखा है आपको, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। सीधे यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, x पावर q माइनस आर इंटू वाई पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। x का पावर भी कितना हो जाना है, q माइनस आर इंटू वाई पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। सेम यही अप्लाई करेंगे हम सेकेंड वाले के लिए भी, b पावर r माइनस पी इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स वाई होल पावर एक्स वाई पावर क्यू माइनस वन होल पावर आर माइनस पी। सिंपली इनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का पावर आर माइनस पी इंटू वाई पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग, सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई पावर आर माइनस वन, एक्स वाई पावर आर माइनस वन होल पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी होगा, एक्स पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं प्रूविंग क्या करना है हमें, a पावर q माइनस आर इंटू बी पावर r माइनस पी इंटू सी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। मीन सारे टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है देखते हैं। ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारे 3 टर्म्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम डायरेक्टली यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाना है, एक्स पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर इंटू एक्स पावर आर माइनस पी इंटू वाई पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी इंटू एक्स पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पे, देखते हैं जिनका बेस सेम है पहले उनको सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स पावर यहाँ पे है क्यू माइनस आर, तो एक्स यहाँ बेस, एक्स यहाँ पे बेस है और एक्स यहाँ पे बेस है, इनको एक साथ लिखते हैं यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, सब जितने भी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू, अब वाई जिसका बेस है उनको पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन एंड क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आर एंड प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाना है एंड प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, जो भी पावर आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स पावर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो
पी माइनस वन एंड क्यू माइनस आर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्यू माइनस वन आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करेंगे और आर माइनस वन पी माइनस क्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का पावर जीरो हो जाएगा। सो एक्स पावर जीरो इंटू वाई पावर जीरो, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है वैल्यू वन होता है, किसी भी वेरिएबल या इंटीजर का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये आपने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं बताया, मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई बता दे रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे प्रूफ करते समय थोड़ा दिक्कत होता, कैसे होगा देखिएगा। पी माइनस वन क्यू माइनस आर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, पी को क्यू से पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर पी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पी क्यू माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस का साइन है यहाँ पे और यहाँ माइनस आर है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड पी आर हो जाएगा। अब माइनस वन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस क्यू से तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाना है, क्यों यहाँ पे प्लस में क्यू है और यहाँ पे माइनस में वन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है एंड क्यू हो जाएगा। एंड अगेन माइनस वन इंटू माइनस आर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं क्यू माइनस वन एंड आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर बिकम क्यू आर एंड क्यू को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी क्यू हो जाएगा एंड माइनस वन इंटू आर, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस आर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आर एंड यहाँ पे माइनस वन एंड माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है एंड प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया। एंड नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू पी बिकम पी आर एंड आर को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आर हो जाना है एंड माइनस वन इंटू पी माइनस पी एंड माइनस वन इंटू माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस पी आर है और यहाँ पे माइनस पी आर है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्यू आर है यहाँ पे प्लस क्यू आर है कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस पी क्यू है और यहाँ पे माइनस पी क्यू है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये माइनस पी क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है माइनस पी क्यू है यहाँ पे, तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाना है यहाँ पे एंड रिमेनिंग देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये प्लस पी है माइनस पी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब पावर ज़ीरो होगा तो सीधे हमने वैल्यू इसका वन पुट कर दिया है, तो एक्स पावर ज़ीरो का वैल्यू भी वन होगा एंड वाई पावर ज़ीरो का भी वैल्यू वन होगा। सो एक्स पावर वन इंटू वन इज इक्वल टू वन हो जाना है, यही प्रूव करना था, यही राइट हैंड साइड है, ठीक है प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी इंटीजर है उनका प्रोडक्ट है और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट उनके साइन हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जैसे कोई प्लस इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से ही तो रिज़ल्ट में पॉजिटिव आएगा, और कोई नेगेटिव इंटीजर है उसको अगर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, एंड यहाँ पे प्लस कोई इंटीजर है उसको नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट वुड बी माइनस, एंड कोई नेगेटिव इंटीजर है उसको पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी माइनस, ओके। तो ये बेसिक रूल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, माइनस टू इंटू माइनस थ्री अगर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, एंड अगर यही लिखा है माइनस फाइव इंटू थ्री लिखा है सो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्क्रीन में है आप लोगों के, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, गिवन है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ़ नाइन पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी प्लस नाइन पावर एक्स, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से दिखे क्वेश्चन
तो ये 9 पावर x जो होता है इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ में 9 पावर x है, इसको शिफ्ट करेंगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस में हो जाना है, देन इट बिकम्स 9 पावर x + 2 माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 720। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था a पावर m प्लस n है, इसको क्या लिख सकते हैं a पावर m इंटू a पावर n, सीधे यही बेसिक रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 पावर x इंटू 9 स्क्वायर माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 720। देख रहे हैं दोनों टर्म्स में यहाँ पे 9 पावर x है, तो 9 पावर x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस अदर एंड में 1 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 720। 9 पावर x एंड 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है माइनस 1 इज इक्वल टू 720 एंड हियर 9 पावर x 81 माइनस 1 बिकम 80 इज इक्वल टू 720। इनको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे 9 पावर x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 80 इधर मल्टीप्लाई में था इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमने डिवाइड कर दिया 720 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 विल कैंसिल एंड यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग 72/8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। टेबल याद कर लिया करो आप लोग भी, है ना, 9 पावर x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9 का पावर कितना है 1 है, कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, दोनों साइड के पावर को कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट के जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं आपके ओलंपियाड वगैरह में एंड जो भी जेई वगैरह या SSC वगैरह का एग्ज़ाम होता है CGL CHSL वगैरह में वहाँ भी पूछे जाते हैं एंड जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे बट हेल्प करेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद।